हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं राज सिंह आप सभी भाइयों का आरएस मशीनरी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। ये भैया आया रुद्रपुर से, इनको ये मशीन चाहिए थे, तो ये सेकंड हैंड मशीन है। इस मशीन में क्या है, माइक्रोनी हो गया, पास्ता हो गया, ये छोटा पाउच बनाएंगे जैसे कि 10 रुपए वाला जो होता है ये बनाएंगे, और इसमें मसाला वगैरह भी चलाएंगे, चाय पत्ती वगैरह, यानी कि जो छोटा पाउच होता है 10 रुपए वाला 20 रुपए वाला वो इस मशीन से बनाने वाले हैं। तो अभी इस मशीन को मैं चला के दिखाऊंगा किस तरीके से इसमें, देखिए मटेरियल तो अभी है नहीं, ये जो पेपर है इसमें हमारे पास अभी कटोरी है जो फ्राई करके जो देखते हैं लोग, अभी हम उसी को पैक करके इसमें दिखाते हैं कि किस तरीके से चलेगी मशीन। डाल दो इसमें वॉपर में डाल दीजिए, पकड़ो पकड़ो, खींचना नहीं खींचना नहीं, खींचो मत खींचो मत, हाँ ऐसे अपने आप चलने दो। ये देखिए इसमें कोई सी भी चीज डाल के चला सकते हैं। अभी ये ट्रायल के लिए इसमें चला के दिखा रहा हूँ कि इसमें पास्ता हो गया, चाय पत्ती हो गया, ये सारी चीज़ आप इसमें चला सकते हैं। इसमें ये जो कप्स लगे रहते हैं ये अपने माल के हिसाब से, अपने मटेरियल के हिसाब से चला सकते हो। तो बनवाएंगे जितना होल कराएंगे उतना ही इसमें माल गिरेगा। माल तो नहीं गिर रहा है, ये देखो ये सूखा है ना। देखिए ओल्ड मशीन और न्यू मशीन में क्या फर्क है, इससे बेहतरीन पाउच नहीं निकल रहा है क्या, आप देखिए। अब इसमें माल खत्म हो गया, चेक करने के लिए इतना ही बनाया है। इस तरीके से आप पास्ता हो गया, माइक्रोनी हो गया, जो भी चीज आप पैक करना चाहते हो उस मशीन से आसानी से पैक कर सकते हैं। जिस भाई को भी मशीन चाहिए, नई मशीन चाहिए, सेकंड हैंड मशीन चाहिए, वो हमसे संपर्क कर सकता है। देखिए मशीन ले जाने से पहले मशीन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप मशीन के बारे में कुछ जानोगे नहीं, उसके बारे में कुछ समझोगे नहीं, तो आप घर पे ले जाने के बाद में फिर इसको खड़ी करके किसी ऑपरेटर के इंतजार में आप खड़े करके रखोगे। तो आप जहाँ से भी मशीन लो आप वहीं पर समझ के जाइए कि किस तरीके से ये चलेगी, कहाँ से ऑन होगी, कहाँ से टेम्परेचर बढ़ेगा, कहाँ से इसमें सारी चीज़ें क्या क्या सिस्टम है इसमें। तो अभी भैया आए हुए हैं, ये ले जाने से पहले कुछ समझना चाहते हैं, तो मैं इनको समझा देता हूँ किस तरीके से इस मशीन को ऑन करना है, किस तरीके से इसको चलाना है। तो देखिए ये स्टेम, ये इंडिकेटर जो चल रहा है, जो हमारा बोर्ड में प्लग या जो वायर लगा हुआ है, इससे इसमें करंट आ रहा है। सबसे पहले ये ऑन ऑफ स्विच है, ये मेन स्विच होता है, ये ऑन ऑफ स्विच को आप ऑन करेंगे इस तरीके से। अब इसको ऑन करने के बाद कम से कम 10 मिनट इसको चला के छोड़ दीजिए, ठीक है, ऑन करके इसको छोड़ देना है, ताकि ये जो हीटर है, ये डाई रोलर है, ये पूरा टेम्परेचर आएगा, ठीक है। तो ये जैसे ग्रीन लाइट जल रही है और ये जैसे कट कट कर रहा है, इस तरीके से ये ऑटो कट होता है, ये मीटर होता है टेम्परेचर कंट्रोल का। तो ये पूरी तरीके से जब गर्म हो जाएगा तो कट मारने लगेगा, ठीक है, इस तरीके से ये कर रहा है। उसके बाद में
आपका रोल जो है इस तरीके से लगेगा, ठीक है। इसमें ज्यादा आसान है लगाना, न्यूमेटिक जो होता है बड़ा मशीन जैसे कि है, स्पैन बाइंडिंग लगा दो तो घुमा घुमा के लगाया जाता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद टेम्परेचर आने के बाद में आप देखिए प्लान लगा हुआ है रोल, तो ये पैनल को ऑन करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बंदे रहना तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे चलेगा सारा पेपर अगर आप चला दें। टेम्परेचर को यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं, हमारा पाउच अगर मोटा आ गया या पतला आ गया तो इसको 5 डिग्री कम कर लेंगे, 5 डिग्री बढ़ा देंगे, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाएंगे, एक बार में ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, नहीं तो पाउच जलने लगेगा, ठीक है। तो ये ऑनर स्विच है, इसके बाद गर्म होने के बाद ये मोटर का स्विच है, इसको ऑन करेंगे ये मशीन चल जाएगी, ठीक। ये होपर है, इसमें मान डाल देना है। आप वेट जब सेट करेंगे, वेट अपना जो कप होता है मटेरियल के हिसाब से इसका होल होगा, जो कप होगा कप बता देता हूं मैं आपको, देखिए ये कप होता है, ये डाई समझ लीजिए इस तरीके का कि जितना माल हमें डालना है इसके अंदर उतना इसका होल बड़ा करवाना है। अब ये 50 ग्राम का है, ठीक, इसमें माइक्रोनी 50 ग्राम आराम से आ जाएगी आपकी, अगर कम आती है तो इसमें एडजस्टिंग होती है कि उसको हम एडजस्ट भी कर सकते हैं, ये प्लेट जो होता है ऊपर नीचे जाता है तो इसको हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो फिर ये समझ गए, यहाँ से ऑन करके छोड़ देना, यहाँ से मोटर ऑन होता है, यहाँ से टेम्परेचर कंट्रोल होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा ये, उसके बाद हम ऑन कर देना, माल डालने के बाद ये चल जाएगी। डाई जो है, डाई आप उसके हिसाब से रखना, जितना आपको पेट चाहिए उतना फुल कराना है, ठीक है। बाकी मैं जब आपके यहाँ आऊँगा स्टेप समझा दूंगा, ओके। तो ऐसा ही वीडियो और बनाते रहेंगे, देखते रहिए आप दूसरे यूट्यूब चैनल। नमस्कार।